जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के परिश्रम से आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्रेम दिया, इतना सहयोग दिया कि बहुत कम समय में आपका ये चैनल एस्ट्रो कमल मोनोटाइज हो गया। तो मोनोटाइजेशन के इस उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक आभार। हम बात करते हैं आज के विषय पर। देखिए मित्रों, सामने वो हरियाली अमावस्या आ रही है। हरियाली अमावस्या एक ऐसा श्रावण में एक ऐसा त्योहार है जिसके दिन आप चाहो तो आप अपनी जन्म कुंडली से पितृ दोष का निवारण कर सकते हो, पितृ दोष को जड़ से समाप्त कर सकते हो। क्या है, कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो जातक को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक की सरकारी नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगती है तो बहुत सारी बाधाएं रहती है, माता पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहते, उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, उसे बदनामी के जो है वो संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से जातक का जीवन जो है, पितृ दोष वाले जातक का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन आप चाहें तो अपनी कुंडली से पितृ दोष का निवारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अमावस्या से लेकर के आपको 16 दिन तक एक विशेष पूजा करनी है। यदि वो पूजा आपने ठीक ठीक संपन्न कर ली तो आपकी कुंडली से जड़ से पितृ दोष नष्ट हो जाएगा, और पितृ दोष नष्ट होने से जो सुफल आपको प्राप्त होंगे वो निश्चित तौर पर आपको सुख शांति और प्रगति देने वाले होंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको ये करना है कि अमावस्या के दिन आपको धोती पहनकर, धोती का अर्थ है कि जब हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें सिले हुए वस्त्र काम नहीं करते हैं, तो आपको सफेद रंग की धोती पहननी चाहिए। यदि कोई माता बहन इस जाप को करती है तो माता बहन को भी बिना सिले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, सफेद रंग के बिना सिले हुए वस्त्र। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके स्नान कर लेना है, फिर सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त होने तक कोई भी एक समय चुन लीजिए। 16 दिन तक आपको उसी समय पर नित्य पूजा करनी पड़ेगी। तो आपने एक आसन बिछाया, कुसा का आसन आपको बिछाना है। कुसा का आसन यदि मिलता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो ऊन का, सफ़ेद ऊन का आसन भी चलेगा। नहीं तो सफ़ेद ऊन का आसन नहीं, फिर कोई भी आसन आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया इसमें कुसा का आसन माना जाता है। मूंगे की माला इसमें सबसे बढ़िया मानी जाती है। यदि आपके पास मूंगे की माला उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग कीजिए, और मूंगे की माला आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो आपको क्या करना है, तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस जाप को करते समय आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप मुंह करके, सफेद धोती पहन करके आप बैठ जाइए। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अगरबत्ती, देसी घी का दीपक और एक लघु नारियल। लघु नारियल आपको मिलता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी नारियल आप बाजार से ले सकते हैं। एक लेना है तांबे का पात्र, तांबे के पात्र में अब थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ पानी चाहिए। आप पानी फुल भर लीजिए, थोड़ा सा आप उसमें गंगा जल मिला सकते हैं। उसके ऊपर उस नारियल को स्थापित आपको करना है। क्या करना है कि सामने एक बाजोट पर सफेद कपड़ा आपको बिछाना है। सफेद कपड़ा बिछा करके आपको उस पर चने की दाल या फिर चावल या फिर गेहूं, इन तीनों में से कोई एक की ढेरी बना लेनी है। कोई एक की ढेरी बना करके उस पर आपको वो नारियल स्थापित करना है। अब आपको क्या करना है, नारियल स्थापित हो गया आपका, अब आपको क्या करना है, पास में ही एक मिट्टी का कोई बर्तन, कोई छोटा कुंडा वगैरह आप ले लीजिए, उसमें गाय के गोबर की जो खाद है, सूखे हुए गोबर की, वो खाद उसमें मिलाकर, मिट्टी के साथ वो खाद मिला करके आप उसमें जो होते हैं, जो जो उसमें बो दीजिए। जो उसमें बोने के बाद में आप फिर देवताओं का आह्वान कीजिए। इसमें पांच देवताओं का आह्वान करना पड़ता है। कौन कौन से, सबसे पहले गणेश का आह्वान करना पड़ता है। किसी भी पूजा से पहले आपको गणेश का आह्वान करना पड़ता है। तो गणेश जी को आप याद कर लीजिए कि गणेश जी महाराज, मैं पूजा कर रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरी पूजा सफल हो। दूसरा क्या है, दूसरा आपको इसमें आह्वान करना है शक्ति का। शक्ति का आह्वान जरूरी होता है, किसी भी पूजा को करने के लिए शक्ति का आह्वान आवश्यक माना जाता है। यदि आप शक्ति का आह्वान करके बैठते हैं तो आपके जो 16 दिनों में जो भी कोई विघ्न आने वाले होते हैं वो दूर होते हैं, शक्ति आपको मिलती रहती है और आपकी साधना प्रशस्त रहती है। तीसरा आपको आह्वान करना पड़ता है क्षत्रपाल देवता का। जो भी उस क्षेत्र का देवता होता है उसको क्षत्रपाल देवता कहते हैं। तो क्षत्रपाल देवता के यदि आप नाम जानते हैं तो ठीक, नहीं नाम जानते हैं तो ऐसे ही बिना नाम के आप क्षत्रपाल देवता का आह्वान कर सकते हैं। चौथा आह्वान करना पड़ता है आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का। कुल देवी या कुल देवता का आप नाम जानते हैं तो ठीक, नहीं तो कुल देवी कुल देवता के नाम से ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी पड़ती है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण आह्वान होता है वो होता है आपके इष्ट देवता का। इष्ट देवता का अर्थ है कि जब भी आप पर अचानक कोई भी प्रकार की परेशानी आ गई तो आते आते के साथ ही आपने जिस देवता को सबसे पहले याद किया है वो होता है इष्ट देवता। ठीक, इस प्रकार
पांच देवताओं का आप आह्वान करते हैं। पांच देवताओं का आह्वान करने के बाद में, उनको नमस्कार करने के बाद में, उनसे प्रार्थना करने के बाद में कि मेरी ये 16 दिन की जो पितृदोष नाशक पूजा है, पितृदोष शांति के लिए मैं जो पूजा कर रहा हूँ, भगवान आपकी कृपा से मेरी ये पूजा सफल हो, उसके बाद में आप अपनी पूजा शुरू कीजिए। उसके बाद में आपको 1100 मंत्र यानी कि 11 माला आपको प्रतिदिन जपनी है। 16 दिन तक ये माला आपको जपनी है। 16 दिन तक माला जपने के बाद में जब 16 दिन आपके पूरे हो जाए, अच्छा इसमें क्या करना है, एक चीज इसमें मैं और बताता हूँ एड जो आपको करना है। एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है वो है कि आपको 16 दिन तक थोड़ी थोड़ी बिना रंग दिए खीर बनानी पड़ेगी। खीर बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा खीर आप पितरों को वो भोग लगाएगी, थोड़ी सी एक कटोरी बना लीजिए, कोई ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी उसमें कलर नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। तो सफेद रंग की सफेद खीर बनानी है आपको चावलों की, और वो खीर आपको रोज पितरों को चढ़ानी है। थोड़ी थोड़ी चढ़ाने के बाद में जब आपका जब पूरे हो जाए तब उस खीर को किसी पत्ते के दोने में, याद रखना प्लास्टिक के दोने में नहीं डालना है, पत्ते के दोने में, पत्ते के दोने में उस खीर को या तो किसी कुत्ते को खिला दीजिए, या उस खीर को अपने छत के ऊपर रख करके कौओं के लिए छोड़ दीजिए, या फिर उसको पिंपल में ले जाके अर्पित कर दीजिए। इन तीनों स्थानों में से जहां कहीं भी आप चाहें उस खीर को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा आपको निरंतर 16 दिन तक करना है। 16 दिन पूजा पूर्ण होने के पश्चात आपको क्या करना है, 17वें दिन जिसमें आपने जो उगाए थे वो पत्र आपको ले जा करके किसी नदी या तालाब में, या फिर कुछ नहीं मिले तो पिंपल में आपको वो विसर्जित कर देना है। और जो नारियल आपको मैंने बताया था वो नारियल आपको अपने पूजा घर में रख लेना है। लघु नारियल होता है 1 इंच का, 1 इंच का लघु नारियल आप ले लेते हैं, अपने पूजा में स्थापित कर लेते हैं, तो आपका ये पितृदोष जड़ से खत्म हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिसको जपने से पितृदोष का नाश होता है। तो मित्रों वो मंत्र है ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हन हन सुख शांति देहि देहि पट्ट स्वाहा। क्या ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हन हन सुख शांति देहि देहि पट्ट स्वाहा। इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है। तो मित्रों इस वीडियो को आपको सबके साथ, मित्रों के साथ, जिसको भी आपको लगे कि इसके साथ शेयर करना है, इसकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है, तो उनके साथ इस वीडियो को आपको शेयर करना है और पुण्य के भागी बनना है। जय श्री कृष्ण। मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है अपने इस चैनल को, तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।